आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि कोरोना अभी भी है। ऐसे में मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। जरा सी लापरवाही आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के मलाड में भारी बारिश की वजह से एक 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इसकी चपेट में आकर पास के 2 और मकान गिरे। रात 11 बजे के करीब हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक अब तक इस 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 8 घायलों को बाहर निकाला गया है, घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इमारत में अब भी 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बीएमसी के मुताबिक इमारत काफी जर्जर हालत में थी और भारी बारिश होने के कारण वो हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इमारत के मलबे में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि रात 11 बजे यह हादसा होता है और अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है जबकि 8 लोग घायल हैं। अभी भी मलबे में लोग फंसे हो सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, रात भर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। प्राथमिकता यही है कि जो लोग मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। कई जिंदगियां इस हादसे ने लील ली। मानसून शुरू हुआ है मुंबई में, हर साल इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है और बड़ी लापरवाही इसलिए क्योंकि ये इमारत पहले से ही जर्जर थी, ये बीएमसी ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद इमारत को खाली नहीं करवाया गया और हादसा ये होता है। अगर पहले ही इमारत खाली करवाई गई होती तो 11 लोगों की मौत नहीं होती। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हम लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मालोनी एरिया में गेट नंबर 8 के यहाँ पे एक 3 माले की बिल्डिंग ढहने की अभी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। वहाँ से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, उसमें महिला पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को रेस्क्यू करने वाले। जब अवैध तरीके से तैयार किया जा रहा था उस दौरान किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया और इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 11 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, 8 लोग बुरी तरह से घायल हैं, ज्यादातर बच्चे हैं। अभी भी तलाश की जा रही है 3 लोगों की जिनके संभावित तौर पर बताया जा रहा है कि अंदर फंसे हुए हैं। कोशिश ये है कि जन हानि को रोका जा सके, इन 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। ये हिस्सा आपको साफ तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है ये ग्राउंड प्लस 3 की एक पूरा 2 मंजिला इमारत तैयार की गई थी। अचानक ही इसका एक हिस्सा रात 11 बजे के करीब ढहा और सामने वाले जो घर थे, जो ग्राउंड प्लस 2 घर बनाए गए थे, उन 2 घरों के ऊपर जा गिरा। उस घर में के बीच में फंसे हुए लोग और साथ ही साथ इस इमारत के ढहे हुए हिस्से में जो फंसे हुए लोग थे वो इस डेब्रिज के नीचे दबे हुए हैं, जिनके निकाले जाने की कोशिश की जा रही है।